गुजरात का मोरबी कांड, जिस जिस परिवार के लोग मरे हैं उस परिवार से जाके जब उनका दर्द पूछेंगे तो वो अपना दर्द शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे। आंसू इतने गिरे हैं कि आंसू सूख गए हैं, और उस दर्द को महसूस कर पाना हमारे और आपके बस की बात नहीं है, और उन राजनीतिक संगठनों और राजनेताओं के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है जो बात बात पे आके शोक संवेदना प्रकट कर देते हैं और आड़ा टेढ़ा बयान देके निकल लेते हैं या फिर अपनी राजनीतिक रोटी सेक लेते हैं। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के हाटा के करीब में यह जगह है, और जिस पुल पे मैं खड़ा हूँ, थोड़ा सा यह पुल दिखाइए और नीचे दिखाइए और यह नदी दिखाइए, छोटी गंडक नदी है, और यह पुल अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ पुल है, और यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया जब हम लोग इस रास्ते से गुजर रहे थे कि यह पुल 1904 में बना हुआ है। अब सोचिए 1904 में बना हुआ पुल और इसकी हालत दिखाइए, रेलिंग टूट चुका है, और यहाँ के लोगों ने यह भी बताया कि समय समय पर यहाँ पे आकस्मिक घटनाएं होती रहती हैं, और मुझे तकलीफ इस बात की भी हो रही है कि यहीं बगल में छठ की, देखिए यहाँ पे छठ घाट भी बना है, यानी कि छठ की पूजा भी होती है। और आगे चलिए, लोगों ने यह भी बताया कि यहाँ पे छठ की पूजा का जो मेला लगता है वो तो लगता ही है, रावण दशहरे का भी मेला लगता है, यहीं बगल में रावण जलता है, और यहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ होती है, और यह पुल मात्र 10 फीट चौड़ा पुल है, यानी कि एक बार में सिर्फ एक गाड़ी, अगर फोर व्हीलर से आ पाते हैं तो एक बार में मात्र एक ही गाड़ी आ सकती है। और यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि जब जब यहाँ पे चाहे वो छठ का पूजा हो, छठ का मेला लगे या फिर दशहरे का मेला लगे, यहाँ पे हर बार सिर्फ और सिर्फ डेंजर जोन का सामना करते हुए, खतरे का सामना करते हुए यहाँ के लोग अपने पर्व को, अपने त्यौहार को मनाते हैं। तमाम स्थानीय लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इस पुल के बारे में जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मार्कंडे पटेल। मार्कंडे जी, ये बताइए यह पुल कितना पुराना है? ये 1904 का बना हुआ पुल है। हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट का बना हुआ पुल है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कोई मरम्मत वगैरह? ये देखिए रेलिंग वगैरह टूटा हुआ है, रेलिंग वो तभी का बना हुआ है? तभी का बना हुआ है रेलिंग। अच्छा जी, 1904 का ये लोहा है? जी जी, नहीं तो, ये बीच में रिपेयर हुआ था। अच्छा, बीच में रिपेयर हुआ था, लेकिन अभी तो हालत देखिए जगह जगह पर रेलिंग टूटा हुआ है। ये भी टूट चुका है। जी, तो ये बताइए खतरा मतलब कि नहीं है? अगर मान लेते खतरा है, खतरा हुआ भी है, घटनाएं हुई हैं। हाँ, घटनाएं होने के बाद ही। क्या नाम है आपका? विनय सिंह पटेल मेरा नाम है। हाँ, घटनाएं होने के बाद ही स्थानीय लोगों ने यहाँ के जनप्रतिनिधि सूर्य प्रताप शाही जी को अवगत कराया था, तो उसके बाद ये पुल, ये जो आपका ये रेलिंग दिख रहा है, ये रेलिंग टूट चुकी थी। हाँ, तो मात्र इसमें रिपेयर का काम हुआ, ये रेलिंग का ही काम हुआ। हाँ, बाकी इसमें कोई काम नहीं हुआ है। 118 साल पुराना ये पुल हो चुका है, और कभी भी जो गुजरात का मोरबी कांड है वह दुहरा सकता है प्रकृति यहाँ पर। अब थोड़ा और आगे आइए, मैं आपको खतरा किस हिसाब से वो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे दिखाइए, नहीं नहीं आप इधर ही रहिए, इधर ही रहिए, ये दिखाइए, यहाँ पे भी रेलिंग टूटा हुआ है। आगे आइए, जब दशहरे का मेला का आयोजन यहाँ पे होता है या फिर छठ के, देखिए यहाँ पे बगल में छठ की पूजा भी जल्दी हुई है, वो होता होगा, और यदि यह पुल दो नहान का भी मेला होता है। एक मिनट इधर आइए, रुक जाइए। क्या नाम हुआ आपका? जयप्रकाश सिंह। क्या क्या बताए अभी आप? कार्तिक और माघ का मेला लगता है नहान का। हाँ, इसी नदी पर छठ पूजा के पास। ठीक ना? कोई छठ का भी होता है? हाँ, छठ का भी, दशहरे का भी होता है। हाँ, हाँ। अच्छा, जब ये मेला लगता है तो इस पुल पे भीड़ भी लगती होगी? हाँ, बहुत भीड़ होती है। और यदि मान लीजिए भगवान न करे मोरबी जो गुजरात में हादसा हुआ, आप लोग को पता है? हाँ, पता है ना कि, हाँ, कि पुल टूट गया? हाँ, अगर उस तरह की घटना हो जाए तो कई सारे लोग इसी नदी में डूब जाएंगे। जरूर डूब जाएंगे। अच्छा, गहरा है ये नदी? हाँ, गहरा है। हाँ, नदी गहरी है। तो मेरा यहाँ पे आने का, और चूंकि मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, यहाँ पे आने का मंतव्य और मकसद सिर्फ इतना सा है कि शासन प्रशासन इस पुल के बारे में संज्ञान ले। और मैं आपको बता दूँ, और आगे आइए, मैं आपको बता दूँ कि बगल में ही नेशनल हाईवे का पुल बना हुआ है, लेकिन स्थानीय लोग जो यहाँ पे, चूंकि उस पार, आप अगर उस पार की बात करेंगे तो उस पार देवरिया जिला पड़ता है और इस पार कुशीनगर जिला पड़ता है, दो जनपदों को जोड़ने वाला यह एकमात्र पुल, और
लगभग लगभग हजारों की संख्या में डेली इस रास्ते से आवागमन होता है। हजारों लोग इस रास्ते से आते जाते हैं और खतरे की घंटी लगातार बनी रहती है। शासन प्रशासन से मांग है, क्योंकि उस नेशनल हाईवे से यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनका आने जाने का कोई लिंकअप नहीं है। यह एकमात्र पुल है जिसके रास्ते से लोग इस पार से उस पार और उस पार से इस पार जाते हैं। तो शासन प्रशासन से यह मांग है कि इस पुल को, इससे पहले कि कोई घटना हो, कोई घटना घटे और मोरबी जैसा कोई कांड दोहराया जाए, उसकी पुनरावृत्ति हो, उससे पहले इस पुल का सही ढंग से निर्माण होना चाहिए। आप थोड़ा सा कैमरा नीचे की तरफ घुमाइए, देखिए कितना ज़्यादा गहरा है। यहाँ से अगर कोई गिरेगा तो उसकी क्या हालत होगी भाई साहब? या तो आप ही वीडियो बना लीजिए या तो हम ही बना लेते हैं। तो इस पुल का निर्माण कितना ज़रूरी है, आप समझ सकते हैं इस बात को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इस पुल का निर्माण इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप आंकड़ा गिनते हैं। मोरबी में जितने लोग मरे हैं, जितने परिवारों को ले लोग गए हैं, आप आंकड़ा सिर्फ मत गिनिए, किसी एक परिवार का भी। कोई बेटा बेटी बहू कोई भी अगर मरता है तो उसको कितनी पीड़ा होती, कितना कष्ट होता है, उस कष्ट का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ये बताइए कि मोरबी कांड के बारे में तो आप सुने हैं ना? जी जी, बहुत दुखद घटना है। 150 लोग मरे हैं। तो शासन प्रशासन 150 से ज़्यादा लोग मरे हैं, लगभग 200 लोग। जी जी। तो ये शासन प्रशासन से आप लोग कोई मांग करते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ये बात बोलते हैं कि नहीं कि यहाँ पे जो है इस पुल का सही ढंग से निर्माण होना चाहिए? जनता मांग कर रही है कि इस पुल का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि दो सीमाओं को जोड़ता है। यहाँ 5 से 10 हज़ार लोग का डेली आवागमन है। अच्छा, बढ़िया मार्केट भी है यहाँ मछली का, लगता है बगल में। अच्छा, मीट मंडी भी है यहाँ, मछली भी है, बाजार और सब्जी का भी मार्केट लगता है, और हाटा और कसिया तक की सारी मूर्तियाँ यहीं आके विसर्जित होती है, और यहाँ मुक्ति धाम सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ के लोग जितने दाह संस्कार के बाद इसी घाट पर आके नहाते लोग हैं। तो आज आपका नाम क्या हुआ? धर्मेंद्र मणि त्रिपाठी। अच्छा, तो त्रिपाठी जी ये बताइए कि मेला यहाँ पे लगता है और इतनी संख्या में भीड़ लगती है, 1904 का बना हुआ पुल है, रेलिंग जर्जर है, कोई दुर्घटना घट जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? इस पुल पे कम से कम 200 लोग मोटरसाइकिल से नीचे गिर भी चुके हैं। 200 लोग? 200 लोग इससे पहले मोटरसाइकिल से नीचे गिर भी चुके हैं। हाँ, इस पुल से 2-4 लोग एक्सपायर भी कर चुके हैं। अच्छा। लेकिन शासन कभी इस पे ध्यान आकर्षित नहीं हुआ शासन का, कि इसकी पुल का मतलब कि नए सिरे से नए तरीके से इसका जीर्णोद्धार हो। आपने एक बार इसका शासन स्तर से केवल जो बगल की रेलिंग है यही रिपेयर हुआ है, पुल के नाम पे कुछ भी रिपेयरिंग नहीं हुई है। प्रदेश की सरकार निरंकुश है, यह केवल हीला हवाली वाला काम करती है। हाँ, यह प्रमाण आपके सामने दिखाई दे रहा है कि पुल का मतलब रेलिंग दोनों तरफ से टूटा हुआ है, और इसमें 2 नहान का मेला भी है, दशहरे का मेला है। इस पुल पे मेले के समय में इधर दोनों तरफ दुकानें भी हो जाती हैं। हाँ, उसके बाद से भीड़ भी चलती है, कई सारे बच्चे इसी रास्ते से स्कूल भी आते जाते हैं। मैंने देखा एक बच्ची अभी जा रही है। हाँ, विद्यालय बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। यह पुल हमेशा निरंतर चलता रहता है, प्रतिदिन ऐसा इस पुल पे नहीं है कि। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद सिंह। अरविंद सिंह मेरा नाम है। इस पुल पे चूंकि कोई बड़ी दुर्घटना हो, उससे पहले क्या इस पुल का निर्माण होना चाहिए? होना चाहिए जरूर। तो आप लोग मांग क्यों नहीं करते अपने जनप्रतिनिधि? मांग तो करते। विधायक कौन है? विधायक यहाँ के सूर्य प्रताप शाही है। तो क्यों नहीं मांग करते हैं? मांग करने से थोड़ो होगा, आवाज उठता है उन लोगों की। भाई बात है, हम लोग क्या कर सकते, मांग ही ना सकते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, ये दिखाइए, यहाँ पे छोटे छोटे 2 बच्चे और इनके घर के, क्या नाम है आपका? जनंजय जायसवाल। जायसवाल जी, ये बच्चे कौन है? आपके भाई हैं? नहीं, मामा के लड़के हैं। मामा के लड़के हैं, यहीं पे रह के सब पढ़ाई करते हैं जी। अच्छा, तो इसे पुल से जाते आते डर नहीं लगता है? नहीं लगता। नहीं लगता, आदत पड़ गई है। आदत पड़। लेकिन ये पुल देखिए, रेलिंग वगैरह जर्जर है, ये पुल भी लोग बता रहे हैं पुराना है। हाँ, पुराना है। बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए। हाँ, तो कहाँ इतना लजा के बोल रहे हैं, खाना नहीं खाए कहाँ? चलिए, क्या नाम है? तो इस पुल पे, ये काफ़ी पुराना पुल है और देखिए जर्जर हो चुका है। मोरबी कांड के बारे में सुने हैं? हाँ, सुने तो हैं। तो मेला भी लगता है, भीड़ भी होती है। हाँ। और पेट्रोल का दाम महंगा, इसीलिए वो बंद करवाए हैं बेचारे। ठीक है।
तो ये बताइए कि ये पुल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बहुत पहले बनना चाहिए था इसको, लेकिन कोई कोशिश नहीं करता, दो जगह पड़ता है, कोई बनाने नहीं, कोई इसको कहता है, कोई इसको कहता है, तो कैसे बनेगा? अच्छा हाँ, देखिए अभी एक समस्या है, वोट लेना रहेगा तो जिले पे नहीं ठेलेंगे, लेकिन जब काम करवाना रहेगा तो कहेंगे कि कुशीनगर जिले का है, वो कहेंगे कि देवरिया जिले का है। हाँ, अपना माटी सहयोग करके माटी भरवा के यहाँ पे कुछ किए, टूट गया पुल, वहाँ पे टर्न हो जाता है वहाँ पे। चलिए आप आगे निकलिए, चूँकि भीड़ लग जाएगी यहाँ पे। देखिए तमाम लोग आ जा रहे हैं। चाचा कहाँ घर पड़ी? हमारे इन्हें घर नहीं है। कितने घर है? इन्हें बड़ा लाग है। अच्छा, देखिए ये बच्चों को दिखाइए, ये बच्ची जा रही है स्कूल से जा रही है, कहाँ पढ़ने जाती हो? नवीन विद्या मंदिर। कितना दूर है? बगल में है, तो इस रास्ते से डर नहीं लगता बेटा? जैसे मान लो अगर पुल है यहाँ पे, रेलिंग सही नहीं है, तो यहाँ पे साइकिल चलाती हो, डर नहीं लगता है? लगता है। लगता है, चलिए ठीक है, बच्चे को जाने दीजिए, छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी है इसके साथ में, अभी स्कूल जाना शुरू की है। और मैं शासन प्रशासन से इन बच्चों का हवाला, इन बच्चों का कम से कम मुंह देख के शासन प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए कि यह पुल बनना कितना ज़रूरी है। देखिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो कि इस देश का भविष्य है, कोई दुर्घटना घटे उससे पहले इस पुल का निर्माण कितना ज़रूरी है, इस बात का अंदाज़ा कम से कम इन बच्चों का चेहरा देख के, ये देखिए तमाम बच्चे स्कूल से आ जा रहे हैं, इन बच्चों का चेहरा देख के ही शासन प्रशासन को इस पुल का निर्माण करवाना चाहिए। और देखिए वहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली खड़ी है, वजन लेके खड़ी है, और 124 साल पुराना यह पुल, 118 साल पुराना यह पुल, 1904 में बना, और 1904 में बना यह पुल कभी भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। कम से कम इसी के समकक्ष प्रशासन को, जैसे वहाँ पे हाईवे पे बनवाया गया है, क्योंकि वहाँ पे NH है तो NH पे बनवाना तो सरकार की मजबूरी है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पे एक पुल का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि इसी पुल पे, इसी पुल के सहारे देवरिया जिला और कुशीनगर जिला के दोनों, मतलब मैंने अभी बताया कि ये बॉर्डर पड़ता है, और यही इसी के सहारे लोग आते जाते हैं। तमाम स्थानीय लोगों से मैंने बात किया और निष्कर्ष यही है कि यदि यह पुल सही समय पर नहीं बनता है और कोई भी दुर्घटना होती है, तो निश्चित तौर पर दोनों तरफ के विधायक, दोनों तरफ के सांसद और शासन प्रशासन की जवाबदेहिता होनी चाहिए। और मैं यह वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मोरबी जैसा कांड पूरे देश में कहीं और नहीं होना चाहिए, कोई और परिवार वाला अपने परिवार को ना खोए, क्योंकि एक एक जान की कीमत होती है, देश के एक एक नागरिक की कीमत होती है। इसलिए निवेदन करता हूँ मुख्यमंत्री जी कि इस पुल के बारे में संज्ञान लीजिए और इस पुल का निर्माण करवाइए। बाकी हाटा के कौन से जगह है, हेतिमपुर में हम लोग मौजूद थे, हेतिमपुर का ये भाईसाह सदर टोला है, भाईसाह ग्राम सदर टोला, सदर टोला जनपद कुशीनगर, और ये देवरिया जनपद है, हेतिमपुर बाजार है। हेतिमपुर बाजार का यह पुल बनना चाहिए, यहाँ के तमाम लोगों और तमाम छोटे बच्चों, तमाम जरूरतमंदों का यह पुल है, और यह पुल निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेके इसको जरूर बनवाएं। बाकी अपने सांसदों विधायकों को का भी थोड़ा कान टाइट करें कि बस वोट लेने के लिए क्षेत्र में ना जाएं, और यह कह के कि उनके विधानसभा में पड़ी, उनके विधानसभा में पड़ी बात को टाले ना, काम को टाले ना, यह तमाम निवेदन है। और इस निवेदन के साथ मुझे विश्वास है कि इस पुल का निर्माण जल्द से जल्द होगा। कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आयुष, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत TV देख रहे हैं। जय हिंद।